अस्सलाम वालेकुम। तो पिछली किस्त में हमने देखा था कि उस्मान साहब के बेटे अलाउद्दीन शहनशाह को बड़े खतरे से आगाह करते हैं और अस्महान सुल्तान ने कोनूर अलप को सिपाहियों से पकड़वा लिया था। तो 59 किस्त के आगाज में हमको कोनिया शहर का किला दिखाया जाता है। सुल्तान अलाउद्दीन कहते हैं, मुझे कौन माना चाहता है? तो इस पर अलाउद्दीन कहते हैं, जिन्होंने मसूद को माजूल किया। इस पर सुल्तान कहते हैं, मैंने अपने चाचा को माजूल किया, वो कम नजर थे, उन्होंने आपके साथ समझौता करके हमें कमजोर कर दिया है। लगता है तुम्हारा सर तुम पर बोझ है जो इस तरह बातें कर रहे हैं। इस पर अलाउद्दीन खुद अपनी गर्दन सुल्तान अलाउद्दीन के सामने झुका लेता है और कहते हैं, जैसे आप मुनासिब समझे। इस पर सुल्तान कहते हैं, मैं अपने ही महल में क्या छुपाऊंगा। इस पर अलाउद्दीन कहता है, अल्हानियों ने आपको सुल्तान बनाया और ये कह वो जब चाहें आपको मजूर कर सकते हैं। आपकी शान से मेरा नाम देने वाले मेरे बाबा यहाँ है। इस पर सुल्तान हैरान होकर पूछते हैं कि उस्मान यहाँ है? मैंने सुना है कि उस्मान साहब की मेरी वालदा से नहीं बनती है। इस पर अलाउद्दीन कहते हैं, जिसके साए तले हम महफूज महसूस करते हैं, उनकी मदद जरूरत कैसे हुआ है? हम तो आपकी खिदमत गुजार हैं। इस पर सुल्तान अलाउद्दीन कहते हैं, उस्मान साहब कहाँ हैं? इसके बाद दिखाया जाता है कि कमांडर समागर के सिपाही उस्मान साहब को जाल में डालकर सहन में ले आते हैं। बुरहान सिपाहियों को कहता है, मैं तुम्हारे सर काट दूंगा। उस्मान साहब के सिपाही कहते हैं, हमें छोड़ दो। कमांडर समागर अपने सिपाहियों को महल के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों को बंद करने का कहता है कोई सुल्तान तक ना पहुंच सके। कमांडर समागर के सिपाही उस्मान साहब को हाथों से मारना शुरू कर देते हैं। इस पर उस्मान साहब के सब सिपाही बहुत गुस्सा होते हैं। कमांडर समागर कहता है, मुजाहमत मत करो उस्मान। इसके बाद सिपाही उस्मान साहब को पिंजरे में डाल देते हैं। उस्मान साहब कहते हैं, तुम मुझे पिंजरे में डालने की कोशिश कर रहे हो, मैं तुम्हारी दुनिया को जिंदान बना दूंगा। इसके बाद सब सिपाही उस्मान साहब को हाथों से मारते हैं। बंदर जो कि ये सब मंजर देखता है कहता है, उस्मान मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं आपको इस तरह देखूंगा। उस्मान साहब सिपाहियों से कहते हैं, मुझसे दूर रहो। कमांडर समागर कहता है, क्या तुमने नहीं कहा था कि हमें उन्हें जिंदा पकड़ना चाहिए? लो अब जिंदा है, अब मजा आएगा, मैंने उन्हें कुचल दूंगा। कमांडर समागर बुरहान को कहता है, अब हम उस्मान का दिल चीर देंगे। इसके बाद समागर सिपाहियों को रस्सियों से उस्मान साहब को सिपाहियों को मारने का कहता है। उस्मान साहब कहती हैं, ऐसा मत करो। बुरहान कहता है, हमारी फिक्र ना करें जनाब, वो हमें नहीं तोड़ सकते अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद कमांडर समागर के सिपाही उन्हें मारना शुरू कर देते हैं। बाइंदर कहता है, जितना हो सके उस्मान साहब के सिपाहियों को मारो, लेकिन उनको जान से मत मारना, वालदा सुल्ताना को हिसाब देना होगा। समागर इस पर समागर कहता है, मैं किसी को हिसाब नहीं देता, खासकर जब उस्मान इसके हाथों में है, वो किसी पर रहम नहीं करेगा। इसके बाद सीन उस्मान साहब के किले की तरफ बढ़ता है। मालून खतून कहती हैं, वालदा सुल्ताना ने हमें रोकने और तोड़ने के लिए किसी भी हद तक जाएंगी। इस पर उरहान कहता है, फिर हम उन्हें तोड़ने तक जंग करते हैं अम्मा। मलहून खतून कहती है, या तो हम मर जाएंगे या मजबूत हो जाएंगे, सबसे पहले हम मोहतात रहेंगे। इसके बाद चेयर कुत्ता अंदर आता है और कहता है, दुकानदार अंदर आना चाहते हैं। मलहून खतून इजाजत दे देती है। दुकानदार कहते हैं, हमारी तरफ से अब कोई काफिला नहीं आ रहा,
लोग भूख से मर रहे हैं। इस पर मालहून खतून कहती हैं, आप फिक्र ना करें, मैं आपको भूखा नहीं मरने दूंगी, मैं सब मामला देखूंगी। दुकानदार बाहर चल जाते हैं। इसके बाद सीन सरजूक महल की तरफ बढ़ता है, जहां पर कमांडर सबाकर के सिपाही उस्मान साहब के सिपाहियों को मार रहे होते हैं। सिपाहियों को मारना शुरू कर देते हैं और बुरहान दूसरों को भी आजाद करवा देती है, लेकिन इस पर सिपाही उनको इतना मारते हैं कि इनके मुंह और बदन से खून बहना शुरू हो जाता है और वो बेहोश हो जाते हैं। समागर के सिपाही खुशी मनाते हैं और हंसने लगते हैं। इसके बाद कमांडर समागर अपने सिपाहियों को दूर हो जाने का कहते हैं। अगर कमांडर समागर का एक सिपाही पिंजरा खोलता है और कमांडर समागर उस्मान साहब को कहता है बाहर निकलो। कमांडर समागर का सिपाही उस्मान साहब पर पानी की बाल्टी डालता है। समागर कहता है उठो और लड़ो उस्मान। उस्मान साहब बाहर निकलते हैं और कहते हैं आ जाओ फिर। फिर उस्मान साहब सिपाहियों को एक एक करके हाथों से मारना शुरू कर देते हैं। फिर सिपाही उस्मान साहब को पकड़ लेते हैं और मुक्कों से पेट पर मारते हैं। एक मुक्का मुंह पर पड़ता है तो खून बहना शुरू हो जाता है। इसके बाद उस्मान साहब फिर से मारना शुरू कर देते हैं। समागर सिपाहियों को हमला करने का कहता है, लेकिन सुल्तान अलाउद्दीन का एक सिपाही कहता है रुक जाओ, सुल्तान अलाउद्दीन हजरत आ रहे हैं। सब रुक जाते हैं। इसके बाद वो सीन दिखाया जाता है जब उस्मान साहब अपने बेटे को कह रहे होते हैं कि हमारा पहला हदफ सुल्तान मसूद होंगे, अगर ऐसा ना हुआ तो फिर हम बताएंगे कि मंगोल सुल्तान मसूद को मारना चाहते हैं और इसके बाद हमें बचाने के लिए सुल्तान अलाउद्दीन खुद आएंगे। इसके बाद वो सीन दिखाया जाता है जब उस्मान के बेटे अलाउद्दीन सुल्तान को कहते हैं उस्मान साहब ने हरकत रोक ली है, समागर और उसके जंगजुओं ने उन्हें घेर लिया होगा। सुल्तान अलाउद्दीन इस पर कहते हैं तुमने मुझसे कहा था कि जब तक मैं तख्त पर हूँ किसी पर भरोसा ना करना, मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन मैं सुनूंगा कि उस्मान साहब क्या कहना चाहते हैं। इस पर उस्मान के बेटे कहते हैं फिर हमें जल्द जाने की जरूरत है। फिर सुल्तान मंगोल अपने अमाल पर पर्दा डालने के लिए शायद मेरे बाबा की जान लेने की कोशिश करेंगे। इसके बाद सुल्तान कमांडर समागर को ले जाने का हुक्म देते हैं। समागर कहता है रुक जाओ, अपनी हद में रहो। इसके बाद सुल्तान अलाउद्दीन उस्मान से कहते हैं ये क्या है। उस्मान साहब कहते हैं जमीन आपकी है, हमें आपसे पूछना है चाहिए कि ये क्या है, लेकिन इन दुश्मनों के दरमियान इन फितनों से हैरान नहीं हूँ। सुल्तान कहते हैं आप हर चीज की तफसील बताएंगे, आपको हिसाब देना होगा। अगर मुझे लगा कि आप ठीक कह रहे हैं तो मैं आप पर रहम करूंगा जैसे अभी किया। इस पर उस्मान साहब सुल्तान का शुक्रिया अदा करते हैं। फिर सुल्तान सिपाहियों को कहते हैं कि जख्मियों को देखो, साफ करो और फिर इन्हें मेरे पास लेकर आओ। लेकिन इसी दौरान सुल्तान अलाउद्दीन उस्मान साहब से कहते हैं कि सुल्तान अलाउद्दीन मेरे साथ रहे होंगे। इस पर उस्मान साहब अलाउद्दीन की तरफ इशारा करते हैं और सुल्तान अलाउद्दीन चल जाते हैं। इसके बाद उस्मान साहब सिपाहियों को कहते हैं क्या आप ठीक हैं। बुरहान कहता है हमने बेहतर दिन देखी है जनाब, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हम जिंदा हैं। इसके बाद उस्मान साहब अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और सिपाहियों को चलने का कहते हैं। इसके बाद बंदर जो कि ये छुप कर देख रहे होते हैं हुसैन को कहता है कलम और कागज तैयार करो, वालदा सुल्तान को बताओ कि क्या हो रहा है, चलो। इसके बाद सीन असमिहान सुल्तान की तरफ बढ़ता है। असमिहान सुल्तान कहती हैं आला क्या हमने सारा सामान इकट्ठा कर लिया है। असमिहान सुल्तान का वजीर कहता है हम वो सब भी खरीदने जा रहे हैं जो ताजरों ने छोड़ दिया, यानी शहर में खरीदने और बेचने के लिए कुछ नहीं मिला। असमियान सुल्तान कहती है बहुत खूब। इसके बाद सीन सलजूक महल की तरफ बढ़ता है। उस्मान साहब कहते हैं हमने वही किया जो हमें करने की जरूरत थी, लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम अपने मनसूबों को अमली जमा बनाए। मैं जानता था कि वो सुल्तान अलाउद्दीन को बताए बगैर हमें मारने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप हैरान होंगे कि इतनी जल्द में कौन अमल करता है। वो जो राज रखते हैं वो सुल्तान अलाउद्दीन के खिलाफ सुल्तान मसूद को एक खतरा बना रहे हैं, इसलिए सुल्तान अलाउद्दीन को इन पर शक है। मैंने अपने बेटे अलाउद्दीन के साथ मनसूबा बनाया और हमने दुनिया में अलहानली ताकत तोड़ दी। सुल्तान अलाउद्दीन की नजर में समागर वो नहीं कर पाएगा जो वो करना चाहता है। तख्त हमेशा खून बहाते हैं, हम इनके अजाइम को इस्तेमाल करेंगे और जो चाहेंगे हासिल करेंगे। हम मशरक की ताकत से मगरब के दरवाजे खोलेंगे। इस पर बुरहान इंशाल्लाह कहता है। इसके बाद उस्मान साहब अपने सिपाहियों को दरबार में जाने का कहता है और कहता है अपने मनसूबों की तरह बढ़ो। इसके बाद सीन सुल्तान के दरबार की तरह बढ़ता है। सुल्तान कहता है इस गद्दार के पीछे जो भी है इसे तलाश करो और इसमें इसका सर कोनियों के दरवाजे पर लटका दूंगा ताकि सब के लिए निशाने इबरत बने, ये जान लो। कि इसके बाद वजीर कहता है सुल्तान माफी चाहता हूँ, लेकिन मुझे लगता है जो अभी आए हैं वही अमन में खलल डाल रहे हैं और मुजरिम है। इस दरबार का दरवाजा खोलता है।
बुरहान कहता है, सरहदों के तमाम कबाइल के मुहाफिज जिन्होंने कफार की सरजमी को घर बना रखा है, फतवात के कायद उस्मान साहब आ रहे हैं। इसके बाद उस्मान साहब अंदर दाखिल होते हैं और यहीं पर इस किस्त का इख्तिताम होता है। दोस्तों आपको ये किस्त कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।